नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो 8.4 एक्सरसाइज है उसमें जो आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है उन आइडेंटिटीज़ को देखने वाले हैं। हालांकि बुक में दो तीन ही आइडेंटिटी दी है, बट हम हर एक आइडेंटिटी को अच्छे से समझने वाले हैं कि उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको रेसिप्रोकल्स बताए थे, राइट। जब हमने टेबल देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो मैंने आपको पेयर्स बताई थी, साइन और कोसेक, कॉस और सेक एंड टैन और कॉट। ये तीनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, अगर साइन की वैल्यू 2 है तो कोसेक की वैल्यू 1/2 रहेगी, राइट। इसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ओके, तो अब इसी से हमारे पहले 6 आइडेंटिटी बनेगी। पहला है साइन इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा। सिमिलरली आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और इसी के साथ आप एक आइडेंटिटी लिख सकते हो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1। दैट इज अगर आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, साइन अगर आप यहाँ पे इन दोनों को कॉस और कोसेक और साइन को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको LHS में 1 मिलेगा, राइट। देन नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है कॉस इक्वल टू 1/ सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू 1/ कॉस थीटा। टैन के लिए टैन थीटा इक्वल टू 1/ कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/ टैन थीटा। देन ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। ये तो रेसिप्रोकल से ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा हुआ है, एक नई आइडेंटिटी आपको आई है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सी टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो टैन थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा डेफिनेटली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रहेगा, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दो आइडेंटिटीज बनती है। अगर आप कॉस को यहीं पे रहने दोगे और ये साइन को यहाँ पे भेजोगे तो ये एक आइडेंटिटी बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसको साइन स्क्वायर को यहीं पे रहने दोगे और इस कॉस स्क्वायर को यहाँ पे भेजोगे, देन यू विल गेट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी के साथ आपको ये दो आइडेंटिटीज़ भी याद रखनी है। इन दोनों का भी यूज़ आता है, ज़्यादातर इससे ज़्यादा इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ आता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को अगेन आपको साइड्स चेंज करके टर्म्स को दो और आइडेंटिटीज़ बनानी है। तो पहले हम अगर कॉट स्क्वायर को यहाँ पे भेजते हैं तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम ये 1 को यहाँ पे भेजते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन सेम, टैन स्क्वायर थीटा आपका यहीं पे रहेगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप 1 को वहाँ पे भेज 1 पे 1 को LHS में रहने दोगे और टैन स्क्वायर थीटा को अगर आप RHS में भेजते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटीज़ है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है आपको, जिनकी एडिशन 90 डिग्री होती है और जो 8.3 एक्सरसाइज है आपके 10 CBSE क्लास का, उस पर बेस्ड ये 6 आइडेंटिटीज़ है। तो ये 6 आइडेंटिटीज आपका ये रिवर्स वाला, दैट इज साइन और कॉस का रिलेशन बनता है, सेक और कोसेक का रिलेशन बनता है और टैन और कॉट का रिलेशन बनता है। साइन 90 माइनस सीटा इक्वल टू कॉस सीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस सीटा इक्वल टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस सीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस सीटा इक्वल टू टैन थीटा, सेक 90 माइनस सीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, सिमिलरली कोसेक 90 माइनस सीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। इन सारे आइडेंटिटीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारी आइडेंटिटीज़ एक पेपर पे लिख के आपको हमेशा जब भी आप इसका सॉल्विंग करोगे तो आपको ये सामने ही रखनी है। इसमें आप ये 6 आइडेंटिटी और ऐड कर सकते हो, दैट इज़ साइन थीटा दैट इज़ साइन थीटा
डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू वन, देन सेक थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू वन, एंड टैन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू वन। ये आप तीन आइडेंटिटी इसमें ऐड कर सकते हो। तो इन आइडेंटिटीज़ के अलावा आपको कोई भी अदर आइडेंटिटी का यूज़ नहीं आएगा। तो एक पेज पे ये बना लो, तो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी बार बार आपको पेज टर्न करने की। एक पेज पे ये बना लो और आप हमेशा ही आपके सामने रहना चाहिए जब भी आप ये सॉल्विंग करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 जो है, जो बहुत ही टफ लगी होगी आपको अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, बट ऐसे है नहीं। जब आप उसको एक पर्टिकुलर मेथड से जाओगे, देखो मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम या सॉल्व करना है तो आपको स्टैंडर्ड मेथड से फॉलो करना है। अगर स्टैंडर्ड मेथड आप फॉलो करते हो, उसको याद रख रहे हो ना स्टैंडर्ड मेथड को, तो आपको एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। कितना भी आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे, तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है या हम उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट से दे आर लकी मीन्स, जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट। आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।